नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भगवान विष्णु के अनंत चतुर्दशी के महात्म और उसकी व्रत कथा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह अत्यधिक दुर्लभ और सब प्रकार से कल्याण करने वाली, अनंत लाभ देने वाली और पुण्य प्रभाव दिखाने वाली तिथि मानी जाती है। अनंत चतुर्दशी इस वर्ष 28 सितंबर 2023 को है। इस दिन भगवान गणपति का विसर्जन भी किया जाता है। कहते हैं जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट खो दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको अनंत चतुर्दशी के व्रत को करने के लिए कहा था। इसी के प्रभाव से उन्हें उनका राज्य वापस मिला था। भगवान श्री हरि की पूजा और कथा सुनने से हर समस्या का अंत अनंत चतुर्दशी पर होता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि 27 सितंबर 2023 रात को 10:18 से शुरू होगी और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 28 सितंबर शाम 6:50 पर होगी। तो विष्णु पूजा का जो मुहूर्त है वह सुबह 6 से शाम 6 तक पूरा रहेगा और गणेश विसर्जन मुहूर्त 10:42 से दोपहर 3 तक है। इस कथा का जो भी ध्यान करता है और सुनता है उसके जीवन से कष्ट निश्चित रूप से नष्ट होते हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए अनंत चतुर्दशी की इस कथा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसको श्रवण करने से निश्चित रूप से अनंत लाभ प्राप्त होते हैं। इसीलिए इसको अनंत चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। और सभी लोग जानते ही हैं कि अष्टमी और चतुर्दशी ऐसी तिथियां हैं जो समस्त जीवों का कल्याण करने वाली हैं। इसलिए चाहे अष्टमी हो या चतुर्दशी, इस पर विशेष रूप से पूजन पाठ और विभिन्न प्रकार के दैवीय कार्य करने पर अनंत लाभ अवश्य ही मिलते हैं। तो इस कथा का प्रारंभ तब होता है जब एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, वह दिखने में अद्भुत था। वह यज्ञ मंडप इतना ज्यादा मनोरम था कि जल और थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल, स्थल में जल दिखाई पड़ता था। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे, क्योंकि यह स्वयं माया नाम के एक असुर ने बनाया था, जो कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से इस दुर्लभ और दैवीय दिव्य मंडप का निर्माण कर चुके थे। एक बार दुर्योधन उस यज्ञ मंडप में आए और एक तालाब को स्थल समझकर आगे बढ़े और जैसे ही वह आगे बढ़े वह उस तालाब के अंदर गिर गए। यह देखकर द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी और उनके मुंह से निकल गया कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। इस बात से दुर्योधन बहुत ज्यादा चिढ़ गया था। उसने यह बात अपने हृदय में धारण कर ली और उसके मन में सदैव के लिए द्वेष उत्पन्न हो गया। उसने पांडवों से बदला लेने के विषय में योजना बनानी शुरू कर दी और उसने वह बदला अपने मामा शकुनी के द्यूत क्रीड़ा के माध्यम से लेने के विषय में सोचा। और जब पांडवों को वहां आयोजित उस द्यूत क्रीड़ा में बुलाया गया तो पांडव यह बात नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। युधिष्ठिर क्योंकि सत्य का प्रतीक है, इसीलिए वह किसी भी हालत में बेईमानी को नहीं समझते थे। और इस प्रकार पांडवों ने द्यूत में और उस जुए में पूरी तरह अपना राज्य पाठ और सारा साम्राज्य खो दिया। पराजित होने पर पांडवों को 12 का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्ट हुए। एक दिन जब भगवान उनसे मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उन्हें अपनी सारी कथा सुनाई और इससे बाहर निकलने का कोई माध्यम पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक भगवान के अनंत स्वरूप का व्रत करो और उनकी कथा को धारण करो तो तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा
तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक कहानी सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक तपस्वी और शुद्ध हृदय का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी और धर्मपरायण प्रकाश से भरी हुई एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने करकशा नाम की एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया था। विदाई के कुछ दिनों के बाद करकशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो गए और अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या वंदन करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की किसी प्रकार साधना कर रही थी। सुशीला ने पूछा तो उन्होंने वहां पर अनंत व्रत की महिमा उन्हें बताई। सुशीला ने वहीं पर व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास पहुंच गईं। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के विषय में सारी बात पूछी। तब उन्होंने उस बात को न समझते हुए डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान विष्णु अनंत स्वरूप का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी भी सारी संपत्ति नष्ट होने लगी। इस दरिद्रता का कारण उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा। तब सुशीला ने कहा, आपने एक बहुत गलत कार्य किया है। आपने अनंत भगवान का डोरा जला दिया था। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य ने अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वह एक वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर भूखे प्यासे गिर पड़े। तब अनंत भगवान स्वयं प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा है। तुम दुखी इसी कारण से हो। अब जबकि तुम्हें पश्चाताप हो गया है तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा यह दुख नष्ट हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने भी वैसा ही किया और उन्हें उनके सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई और अनंत धन की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उसी दिन से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान के व्रत का संकल्प किया और उन्होंने यह वर्ष लगातार व्रत जारी रखा, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक उस राज्य में राज्य करते रहे। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान का यह व्रत अद्भुत सामर्थ्य देने वाला है और आपकी किसी बड़ी परेशानी का भी हल स्वयं भगवान नारायण अपने अनंत चतुर्दशी व्रत के माध्यम से कर देते हैं। इस दिन इनकी कथा सुनने से अद्भुत लाभ प्राप्त होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अनंत चतुर्दशी पर अनंत महालाभ प्राप्त करने के लिए इस कथा का श्रवण इस दिन करना बहुत लाभदायक होता है। तो यह थी कथा अनंत चतुर्दशी की। आप भी इसे सुने और अपने जीवन में कल्याण को प्राप्त करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।